आज के युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है, फिर भी हिंदू धर्म में हमारे पूर्वजों ने कई ऐसे संस्कार रीति रिवाजों का पालन किया है जिनकी जानकारी के बिना हम अज्ञान ही रहेंगे। हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। आधुनिक समाज में हम हिंदू धर्म की परंपराओं और संस्कृति को खोते चले जा रहे हैं। हिंदू धर्म में ऐसा ही एक संस्कार का पालन किया जाता है कि किसी भी इंसान के अंतिम संस्कार में महिलाओं को शमशान घाट जाने से रोका जाता है। क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसके कारण बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इस तरह की आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहा करें। आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। महिलाओं का दिल बेहद कमज़ोर होता है, लिहाजा अंतिम संस्कार की क्रिया को देखकर महिलाएं डर जाती हैं। शमशान घाट में चिता को जलते हुए देख महिलाएं डर न जाएं, इसके लिए उन्हें घर पे ही रहने को कहा जाता है। और कहा जाता है कि शमशान घाट में हर दम आत्माओं का वास होता है। ऐसे में आत्माओं से महिलाओं को सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि बुरी आत्माएँ अक्सर महिलाओं को ही पहले अपना निशाना बनाती हैं। हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले सदस्यों को अपने बाल मुड़वाने होते हैं, इसलिए महिलाओं को दाह संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता है। शमशान घाट से लौटने के बाद पुरुषों के पैर धुलवाने, स्नान करवाने के लिए महिलाओं को घर में ही ज़रूरी प्रबंध करने होते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसके बाद घर में बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो महिलाएं ही कर पाती हैं, इसलिए उन काम काजों की देखभाल के लिए भी महिलाओं को घर में रहना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहा करें। धन्यवाद।